अमर शहीदां दा पैगाम जारी रखना है संग्राम। इस संदेश नूं अमली जामा पहना रहे मेरे बहुत ही सत्कारयोग किरती भरावो भाई लालां दे वारसो फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो ये नारा सानू शहीदां ने दिता है कि संग्राम नूं जारी रखना है, जारी कदों तक रखना है? जारी उदों तक रखना जब तक सानू संपूर्ण आजादी नहीं मिल जाती। असी खेतीबाड़ी करने वाले लोग बैठे हाँ, साड़ी जिहड़ी जमीन है असल च असी उस दे अजे पूरे मालक है नहीं। क्यों मालक है नहीं? क्योंकि मैं थोनू तजर्बे चो गल कर रहा हाँ, आपां बिजली है जिहड़ी वो मुल खरीदते हैं, लेकिन बिजली वाली कंपनियां जब खेतों च साडे वड्डे वड्डे टावर लाण आनी है, मेरे कोल किसे कोल दो किले है एक किला है, खेत च एक बिगे च भी टावर वड्डी लैन दा लग सकता है, लेकिन उसनू पुछया नहीं जा सकता। इस तरी गैस पैप लैन है, गैस पैप लैन वाले पट्टन आ जाने हैं जमीन नू, कहिंदे जिनी थोड़ी फसल खराब होएगी उहदा मुआवजा दे देंगे, लेकिन जिहड़ी लैंड साडी खराब होगी उहदा कहिंदे कोई मुआवजा नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि 1829 का 1830 का देश आजाद होया, 1947 का साडे वास्ते आजादी तो पहलां दे सानू लुट्टण ते कुट्टण वास्ते कानून ज्यूंदे त्यों पए हैं। असी ये तजर्बे च हटाया राजपुरे, असी अपनी जथेबंदी वालों बहुत वड्डी लैन 4 लाख वोल्टेज की UPA 2 की टाइम उन्हूं रोकिया, उन्हां नूं पुछया भी साडी दा जमीन का बहुत वड्डा नुकसान हो रहा है। ज्योति राय सिंधिया जी नूं मिलाया सानू महाराणी ने, ज्योति राय सिंधिया जी पता की जवाब दिंदे, कहिंदे इह तां सारे देश में ही लगते हैं ऐसे। क्यों लगते हैं ऐसे? क्योंकि सानू पूरा मालकी हक नहीं मिलिया। इस करके आपने इस लड़ाई नूं, इस संग्राम नूं जिथे इन्हां कानूनां नूं रद्द कराना है उत्थे संपूर्ण आजादी वास्ते सानू बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पवेगी। जो साडी संयुक्त मोर्चे की पॉलिसी बनी हुई है कि असी सहज च रह के सावर नाल सहज पक्के सो मिठा होए, संघर्ष जिन्ना भी लंबा चलेगा उन्ना ही रिफाइंड हुंदा चलिया जाएगा, साफ हुंदा चलिया जाएगा। जो उधर उधर दियां गल्लां करदे हैं वो सारे निखड़ के एक पासे चले जाएंगे। इस करके आपां इस कल्ली कानूनां नूं रद्द कराण दी गल नहीं है, सिस्टम नूं समझण दी लोड़ है। इस सिस्टम च इस प्रबंध च साडे बच्चे एक एक दो दो बच्चा साडे कोल, वो भी साडे कोल रहण नूं तैयार नहीं, असी उहनूं अपने कोल रखण नूं तैयार नहीं। कित्थे भेज रहे हैं? जिथे साडे आजादी घलाटियां ने इड्डियां इड्डियां कुरबानियां दे के अंग्रेजां नूं कढ़िया सी, उत्थे असी अपने बच्चों नूं दो दो चार चार किले जमीना बेच के उन्हां दे तल्ले कढ़न वास्ते उत्थे उन्हां दे सांझ भेज रहे हैं। जिहड़े साडे ते राज कर रहे हैं, एक MLA दी टर्म पूरी नहीं हुंदी उहदे मुंडे दी फोटोआं साडे इलाके च लग जांदी है, कहिंदे इहनूं चुणियो अगे नूं वोटां इहनां नूं पायो, उन्हां दे बच्चे तां बाहर जांदे है नहीं। साडे बच्चे इत्थे रहण वास्ते तैयार है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम च फर्क है, प्रबंध च फर्क है। जिहड़ा भगत सिंह दा सुनेहा जिहड़ा कह के गए कि देखियो आजादी मिलेगी टुट्टी भज्जी, इहनूं पूरी आजादी ना मन लिओ। उस संग्राम नूं लै के, उस गल्लां नूं लै के बहुत सारे जिहड़े लोग समझदे हैं उस लड़ाई नूं शुरू रख रहे हैं। 1990-91 च भी बहुत वड्डी लड़ाई इन्हां नीतियां इन्हां पॉलिसियां दे खिलाफ, WTO दे खिलाफ। मैं भी दिल्ली आया सी बहुत वड्डा जत्था लेके, इत्थे भी जद अथरू गैस वड्डियां वड्डियां गोलियां उन्हां सरकारां ने उस टाइम चलाइयां। इस करके मूर्ख नूं मारन दे नालों उस दी मां नूं मारना जरूरी है जिहड़ी अगे नूं होर मूर्ख ना पैदा कर दे। इस करके इन्हां पॉलिसियां नूं समझना बहुत जरूरी है जिहड़ियां साडियां साडे हिस्से साडे विरसे ते साडे जीवन ते सट मारदियां। जब तक इन्हां नूं असीं पुट्ठा गेड़ा नहीं दे दिंदे, जब तक साडा जीवन है जिहड़ा सुधर नहीं सकदा। इस करके मैं भी 27 नवंबर तो इत्थे इस मोर्चे च बैठे हैं। पंजाब च मेरी ड्यूटी 2 महीने शंभू रेलवे ट्रैक ते, उत्थे इक होर भी मोर्चा चलदा सी, उस मोर्चे ते असीं कदे नहीं गए। रेलवे ट्रैक ते साडी लगातार ड्यूटी उत्थे चलदी रही। इत्थे असीं स्टेज ते क्यों नहीं आए? क्योंकि बुलारे साडे बहुत ही सूझवान, बहुत तरीके दे नाल किस तरह असीं घोल नूं चलाउणा उस नूं लै के आपां ने सारिआं ने साबर ते संतोख दे नाल सहज दे विच रहि के इस जंग नूं जितणा। ये जंग इक्के मंग करदी है,
ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ ਉਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਹਮ ਏਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।